गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा संकुल में एक जनपद एक उत्पाद के तहत टेराकोटा पॉटरी एवं खाद्य प्रसंस्करण थीम पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विशिष्ट अतिथि में उद्यम और प्रोत्साहन मंत्री सत्यदेव पचौरी, सचिव भुवनेश कुमार, आयुक्त व निदेशक के रविंद्र नाइक, विधायक फतेह बहादुर सिंह, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, कमिश्नर अमित गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, CDO अनुज सिंह, उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने एक जनपद एक उत्पाद के तहत 12 जनपदों के कुल 20,427 उद्यमियों एवं हस्तशिल्पियों को 2188 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित का लाभान्वित कराया। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से 15 हस्तशिल्पों उद्यमियों को ₹349 लाख का प्रतीक चेक प्रदान किया। उन्होंने 38 हस्तशिल्पियों को 10 इलेक्ट्रिक चौक सहित टूल किट भी वितरित किए। अमेजन से हुए MOU के अंतर्गत 15 हस्तशिल्पियों की विपणन व्यवस्था प्रारंभ कराई गई, जिसमें से टोकन के रूप में 2 अग्रणी उद्यमियों को मुख्यमंत्री द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा उन्होंने थीम आधारित ODOP कैटलॉग का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास में सूक्ष्म लघु उद्यमियों एवं हस्तशिल्पियों के उत्पाद को बल प्रदान करने हेतु वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जनपद के विशिष्ट एवं परंपरागत उत्पादों का चिन्हांकन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से चिन्हित उत्पादों को सर्वमुखी विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं जैसे एक जनपद एक उत्पाद में वित्त पोषण सहायता योजना, सामान्य सुविधा योजना तथा विपणन सहायता योजना संचालित की गई है। इस अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सत्यदेव पचौरी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश की प्राकृतिक एवं आर्थिक व्यापकता के कारण उत्तर प्रदेश गैर कृषि क्षेत्र विशेषकर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में पूंजी निवेश एवं रोजगार उपलब्ध कराने की अपार संभावनाएं रखता है। हम सब जानते हैं कि गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय कभी मुख्य अतिथि नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी इस आयोजन के बीच उनके सारे दल शामिल से हम आराधित हैं। स्मृति चिन्ह के रूप हसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और मृतम गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलने का आह्वान, संकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान। आज जब मैं गोरखपुर में आया तो मुझे बड़ी उत्सुकता जागी थी। हम जानते हैं कि गोरखपुर आज जाके घर
की है, लोगों ने क्लीन कर दी है। यहाँ हिंदू सिटी गंगोत्री सदियों से निकल रही है, उसके केंद्र में जब मैंने देखा कि आज केवल एक जनपद एक उत्साह नहीं है, यहाँ तो कई उत्सव है। गोरखपुर महोत्सव भी है, युवा कल्याण के लिए आज यहाँ उसका भी कार्यक्रम है और एक जिला एक उत्साह, एक जिला एक उत्साह का कार्यक्रम हमारा जो सांस्कृतिक क्रांति हमारे सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति के रूप में देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में परंपरागत उद्योग भले भूले आगे बढ़े, यही 24 जनवरी 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को संकल्प की ओर बढ़ता हुआ कदम है और अभी तक हम उस संकल्प के रूप में 27 जिलों में 57,000 लोगों को 5,500 करोड़ रुपया बांट चुके हैं। 5,000 आज हम इन 12 जिलों में 20,427 लोगों को 2,000 करोड़ रुपया बांटने जा रहे हैं। किसी भी सरकार ने परंपरागत उद्योग कैसे बढ़े, लोगों को अपने घर में अपने गांव में अपने जिले में रोजगार कैसे मिले, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का कैसे विकास हो, ये समग्र योजना कभी किसी ने नहीं कहा। पहली दफे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उनके निर्देशन एक योजना बनी कि उत्तर प्रदेश में एक नई औद्योगिक क्रांति लानी, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार से जोड़ना। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए नहीं भटकेगा, नौकरी के लिए नहीं भटकेगा, अब हमारा नौजवान नौकरी देने वाला है। अब हमारी बहने हमारी महिलाएं घर में काम करें, चाहे वो सोलर कैफे के माध्यम से हो, चाहे वो कुटीर माध्यम से के माध्यम से हो, चाहे छोटे छोटे समूह स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने घर में रोजगार करेंगे और उसको मार्केटिंग देने का काम ये हमारा लघु उद्योग विभाग है। इसीलिए हमने जितनी प्रदर्शियां लग रही है हमने एक जिला एक उत्पाद के हर जिले के उत्पाद बेचे जा रहे। मैं आपको पिछले दिनों लखनऊ में प्रदर्शनी लगी थी तो वहां उनकी सामान खत्म हो गए थे, इतनी बिक्री हुई, लोग उत्साहित हो रहे। आज मैंने आपको यही समाचार पत्र में पढ़ा, कुछ कहना टूटा के लोगों के ध्यान पड़े, उन्होंने कहा कि जब से योगी उपी योजना चालू हुई है हमें बाजार मिलेगा, हमें जो हमारे माल हम जो उनसे बिक्री मिलेगा उससे पहले को नहीं मिलता था। मैं उन्हें दिखाई नहीं दे रहा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं 75,000 लोगों को रोजगार मिल जाए, 6 महीने में मिल जाए, पैसा मिल जाए, विकास घटके हुए मिल जाए, ऐसा कभी हुआ क्या? क्या एक बात और बता देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वेबसाइट पर तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में 22,00,000 लोगों को 13,500 करोड़ रुपया अभी 9 महीने में मिला, 2018 में, चाहे का पहले कभी मिला था क्या? तो नहीं मिला था, कुछ क्यों नहीं मिला था, इसका विचार करना चाहिए कि वो समाज को हो गए, हम समाज को गरीब को कमजोर का उत्थान चाहते हैं, हम उनको समाज में बराबरी के उत्थान पर खड़ा करना चाहते हैं। यह है योगी जी का संकल्प और इस संकल्प की सिद्धि के लिए कार्यक्रम आयोजित।
जिलों को जोड़ा गया और एजेंट पर एक उत्पाद की ये पुस्तिका। तालियों से शुभकामनाएं गई, हमारे संकल्पों को ये सिद्धि प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जॉर्ज सामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पूरी की। बचपन से मेरा एक सपना रहा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। जैसा कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कौशल भारत योजना का आरंभ किया। ऐसे सराहनीय योजनाओं को देखकर मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि मैं भी अपने देश की महिलाओं के रोजगार के लिए कुछ करूं। तो मुझे टेराकोटा ज्वेलरी को रोजगार बनाने का ख्याल आया। इस दृष्टि से जो कार्यक्रम चल रहे हैं
उसने हमारे उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों के साथ साथ हजारों नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य किया है और मुझे लगता है खुशहाली हम सब की खुशहाली है। आज ये चौथा समिट हमारा यहाँ पर आयोजित हो रहा है, मैं इसके लिए यहाँ पर उपस्थित उन सभी उद्यमियों को जो मंत्री प्रोडक्ट योजना के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी गई, लोन उपलब्ध कराया गया, टूल किट्स उपलब्ध कराया गया, उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं सबकी इतनी व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर आप एक साथ हो रहे हैं, अभी हमने देखा है सबसे पहले हमने महिला स्वयंसेवी समूह बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा कार्य कर सकती है और ग्रामीण क्षेत्र में मेरा कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है मातृशक्ति नारी शक्ति। घर के खर्चे को कैसे एक एक पाई जमा करके कैसे व्यवस्थित रूप से घर गृहस्थी को संचालन करना है, संभवतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और एक परिवार को संचालन करने में महिला और नारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उस दृष्टि से आज यहाँ पर कई महिला स्वयंसेवी समूह को यहाँ पर अनुदान दिए गए, उनके वाहन उपलब्ध कराए गए और उन महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से उन समूहों के माध्यम से हम शासन की योजनाओं को के साथ जोड़ते हुए प्रदेश के अंदर हजारों ऐसे स्वयंसेवी समूह गठित करके उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जहां एक नई ऊंचाई दे रहे हैं, वहीं साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की नवीन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी हो रहा है। मुझे प्रसन्नता कि पहले समिट में हम लोगों ने जब आदरणीय राष्ट्रपति जी हमारे समिट का उद्घाटन करने के भवनों में आए थे तो समय इस उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों को या जो नया युवक इसके साथ कार्य करना चाहता है उस समय 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन 4,000 से अधिक उद्यमियों को और नौजवानों को वितरण करने का कार्य किया गया। दूसरा समय मुरादाबाद में हुआ, वहां पर भी 1,000 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई। तीसरा समय अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी में इसका उद्घाटन किया और उस समिट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से 2,000 से अधिक युवाओं को इससे जोड़ करके उन्हें मुद्रा योजना के अंतर्गत और प्रदेश और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लगभग 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन उपलब्ध कराया गया। और आज ये गोरखपुर का चौथा समिट है जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आज 2100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहाँ के उद्यमियों नौजवानों और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले उन सभी युवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं जो समाज के चेहरे पर एक खुशहाली लाने आम नागरिक के जीवन को स्तर को उठाने में जिनकी निर्णायक भूमिका हो सकती है। हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं सरकारी नौकरियों की अपनी एक सीमा है और हमने पूरी पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता बल्कि स्वयं का अपना उद्यम खड़ा करना चाहता है। मैंने जब प्रदेश के अंदर एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के कुछ यूथ को बुलाया आरंभ में सत्ता संभालने के पिता था, लगभग 20 नौजवान मेरे सामने आए थे, मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप क्या चाहते हैं। मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि 20 में से 18 यूथ ऐसा था जिसने कहा कि हम स्वयं का स्टार्टअप तैयार करना चाहते हैं और इसके लिए हमें सहयोग चाहिए। और तब मेरी समझ में आया कि नहीं, हमें उत्तर प्रदेश के अपने युवाओं के लिए और उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम के प्रोत्साहन के लिए भी कोई योजना चलानी चाहिए और वहीं से हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना को प्रारंभ किया। आज विकसनता जिस लोन के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, बार बार जाने के बाद भी आपके पास वह सुविधा नहीं मिल पाती थी,
आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के माध्यम से आपको घर बैठे बैठे लोन और अनुदान की सुविधा प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। और इसलिए मैं आज के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं प्राप्त कराता हूँ। तो बेटी की कला इनके पास थी लेकिन इनको बेटी नहीं मिल पाती, प्रोत्साहन की बात तो मिट्टी में नहीं मिल पाती थी। और जबरदस्ती पिछली सरकारों ने इनके जहां जहां से मिट्टी मिल सकती थी उनके पट्टे दबंगों को दे दिए, जिससे ये लोग लाभ ना पा सके, इनकी कला भर जाए, इस प्रकार की साजिशें हुई। और फिर मैंने औरंगाबाद के जब हम लोग सत्ता में आए तो हमने इस बात को कहा, प्रदेश के अंदर माटी कला बोर्ड का गठन भी हम लोगों ने किया और इस बात को सुनिश्चित किया कि अप्रैल से जून तक हर गांव के हर तालाब को अगर धार्मिक विषय नहीं है और जैसे सूखता है वहां की मिट्टी हम प्रजापति समुदाय के लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे और वे उस मिट्टी को लेकर के अपनी कला के माध्यम से समाज में रोजगार और स्वावलंबन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं मानता हूं कि जहां एक ओर उनकी मिट्टी की आपूर्ति की समस्या का समाधान हुआ है, वहीं हमने गोरखपुर के टेराकोटा को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जोड़ करके आज एमएजी जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी प्रदेश के साथ इस संबंध में एमओयू किया है और इनके उत्पाद को घर बैठे बैठे हम लोग दुनिया के किसी भी बाजार में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इस दृष्टि से इन लोगों के बीच में जो मेडिकल होता था उसकी व्यवस्था समाप्त हुई। आज जो पैसा बीच में जो एजेंट ले लेते थे उनकी व्यवस्था को समाप्त करके इनके उत्पाद का सीधा सा बाजार से मिलने वाला दाम इनके पास पहुंचेगा, यह एक बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए जितने भी उद्यमी प्रदेश के अंदर है इन सबको जो इस योजना का लाभ मिल रहा है, इन सभी संस्थाओं के साथ जो हम लोगों ने अपने एमओयू किए हैं उस एमओयू के माध्यम से इनको अंतरराष्ट्रीय बाजार और राष्ट्रीय बाजार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। दूसरा, प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्प को भी बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान के आधार पर एक अभिनव योजना प्रारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। टूल किट्स जो वितरित किए जा रहे हैं, हमारे गांव में रहने वाला कारपेंटर है, हमारे गांव में रहने वाला राजमिस्त्री है, हमारे गांव में रहने वाला नाऊ है, हमारे गांव में कार्य करने वाला अलग अलग जिसके पास अपनी परंपरागत स्किल है लेकिन उसको कोई मंच नहीं मिल पाया, उसको मंच देने के उसकी स्पेशल ट्रेनिंग हो और ट्रेनिंग के दौरान उसको निश्चित मानदेय भी दिया जाएगा और फिर सर्टिफिकेट के साथ साथ टूल किट्स निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था। और अगर वह व्यक्ति अगर कोई एक गांव का कारपेंटर अपने गांव में ही अपना शोरूम खोलना चाहता है या गांव के किसी चौराहे पर खोलना चाहता है तो उसके लिए हम लोन और अनुदान दोनों की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। एक बड़ी योजना के साथ हम उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर इस योजना को लेकर के आने वाले हैं। हमारा परंपरागत हस्तशिल्पी है जिसके अंदर थोड़ी भी हुनर है या जिसने परंपरागत रूप से कुछ सीखा है उन सभी को, और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने रोजगार के लिए नौकरी के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की है, आज यहां पर भी हम लोगों ने रोजगार मेला का आयोजन किया है। रोजगार मेले में 20,000 से अधिक युवाएं हैं और उनमें से अधिकांश युवाओं को हम नौकरी और उनके प्लेसमेंट की व्यवस्था देने जा रहे हैं, उनको किसी न किसी उद्योग में किसी न किसी कंपनी में किसी न किसी अच्छे संस्थान में नौकरी भी मिलेगी, इस बात को आज हम यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। लेकिन मुझे लगता है
आप तो नौकरी क्रिएटर हैं, स्वयं नौकरी को उत्पादन कर रहे हैं। आप जब अपना व्यवसाय करने में देख रहा था, एक एक व्यक्ति कहता था मैं 10 लाख का, कोई 5 लाख का, कोई 15 लाख का, कोई 25 लाख का लोन ले रहा है, और जब लोन देगा तो पूरा परिवार उस रोजगार के साथ जुड़ेगा ही, आसपास के अन्य युवाओं को भी रोजगार की संभावनाएं उसके साथ बनती हुई दिखाई देंगी। और एक अभिनंदनीय कार्य है, समाज में जो बालिका गोरखपुर की कह रही थी कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होगी, और मुझे लगता है कि हमारे उद्यमियों को और नौजवानों को अपने जीवन का ध्येय वाक्य इसको बनाना पड़ेगा, बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा, बार बार आगे बढ़ना पड़ेगा, और कभी भी अपने लक्ष्य से हिले बगैर, डिगे बगैर, टूटे बगैर लगातार उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए किया जाने वाला जो प्रयास होगा आप सबका, वह बहुत बड़ा प्रयास होगा। और इस दृष्टि से आज हम सब यहाँ पर 2188 करोड़ रुपए की धनराशि का वितरण हम यहाँ पर ग्रहण करने जा रहे हैं, वहीं साथ साथ 360 पारंपरिक हस्तशिल्पियों को भी टूल किट समुपलब्ध करा रहे हैं। आगे पहले मिट्टी के बर्तन बनते थे, परंपरागत चाक से बनते थे, उसकी स्पीड कम होती थी, एक दिन में हम उसके 10-15-20 बर्तनों बना पाता था, आज हम उसको इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध करा रहे हैं, आज हम उसे सोलर चाक उपलब्ध करा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक चाक और सोलर चाक से उसकी क्षमता 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर 10 बर्तन बनाता था, अब इस इलेक्ट्रिक चाक से वो 100 बर्तन बनाने की क्षमता उसके अंदर पैदा हो जाएगी। जब किसी चीज की कमी नहीं होगी और अधिक उत्पादन आप करेंगे तो बाजार का दाम भी नियंत्रित होगा, और बाजार का दाम नियंत्रित होने के साथ आप लोग बहुत आराम से आपके उत्पाद बाजार में बिकेंगे। प्रदेश के अंदर हमने प्लास्टिक को पूरी तरह बैन किया, पर्व और त्योहारों में प्लास्टिक के कप गिलास होने वाले इस्तेमाल उनको पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया, और मुझे लगता है मिट्टी के उत्पादों को एक नया अवसर प्राप्त होने जा रहा है। यह अलग अलग क्षेत्र का है, चाहे वह गोरखपुर का टेराकोटा हो, चाहे वह माटी कला बोर्ड के माध्यम से बनने वाले दैनिक उपयोग में आने वाले मिट्टी के बर्तन हो, चाहे वह आपके आजमगढ़ का वहां का ब्लैक मटकी का हो, या फिर हमारे भुवनेश्वर का हो, या फिर खुर्जा का हो, इन सभी उत्पादों के लिए एक बहुत बड़ी संभावनाएं प्रदेश के अंदर हम लोग तैयार कर रहे हैं। और इसे हम लोगों ने प्रयास किया कि इन उत्पादों के माध्यम से आम नौजवान को हम स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकें, और ये प्रयास जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ करके इनको प्रोत्साहित किया है, वहीं साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की जा रही है कि प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक निवेश हो। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब हमारी सरकार 2 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करेगी तब उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका होगा। 2 लाख करोड़ के निवेश का मतलब प्रदेश के अंदर हम सीधे सीधे 2 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। 2 लाख नौजवानों को नौकरी का मतलब 10 लाख से अधिक नौजवानों को परंपरागत रोजगार की सुविधा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ जोड़ने की सुविधा भी हम उसके माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ना चाहिए, लेकिन मेरा यह मानना है कार्यक्रमों के लिए एक सकारात्मक दृष्टि हम सबके पास होनी चाहिए, और सकारात्मक दृष्टि के साथ हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया। मैं आ रहा था, मैं देख रहा था कुशीनगर के जीवन केले के छिलके के रेशे निकाल करके उससे बहुत अच्छे उत्पाद तैयार किए, बहुत उन्नयन है। और उसी प्रकार से हमारा बढ़ई है, दर्जी है, टोकरी बुनकर है, नाई है, सुनार है, लोहार है, लोहाई है, मोची है, राजमिस्त्री है, ये जितने भी हस्तशिल्पी हैं जिनके पास अपना हुनर है, परंपरागत रूप से इस कार्य को करते रहे हैं लेकिन मान्यता नहीं मिल पाती थी,
इन सबको मान्यता देने के लिए ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से इन सबको मान्यता देने सरकार की ओर से लोन की सुविधा उपलब्ध कराने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ही हम लोगों ने इस अभिनव योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। और मेरा विश्वास है कि हम इन योजनाओं के माध्यम से जहां इन्हें प्रशिक्षित करेंगे वहीं विश्व गुरुकुल की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इस रोजगार मेले में भी हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर तैयार किए हैं। 70 कंपनियां इस रोजगार मेले में भाग ले रही हैं और 70 कंपनियों के साथ ही 6156 से अधिक नौजवानों को नियुक्ति पत्र भी प्राप्त होंगे। आप बता करिए, पहले नौकरी के लिए हमें जगह जगह जाना पड़ता था, फैक्ट्री फैक्ट्री के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज फैक्ट्री या संस्थान आपके घर में आकर के आपको नौकरी उपलब्ध करा रहा है, ये है पूरी। हम लोगों ने सरकारी नौकरियों को भी उसी प्रकार से पारदर्शी तरीके से आगे किया। प्रदेश के अंदर अब तक 130,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। 69,000 शिक्षकों की नई नियुक्ति की प्रक्रिया हमारे अंतिम चरण में है और फरवरी तक हम लोग 69,000 नौजवानों को यह नौकरी भी उपलब्ध कराएंगे और साथ साथ 50,000 पुलिस की भर्ती भी इंतजार कर रहे इसी महीने भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा करेंगे। और इसके साथ अन्य तमाम विभागों से जुड़े हुए 50,000 से अधिक नौकरियां मार्च तक आपके सामने एक बार पुनः आएगी। ये नौकरियां पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, आज ये नहीं हो सकता कि कोई खानदान, कोई परिवार या कोई जाति विशेष के लोग झोला लेकर के बैठ रहे हो सूली पर जा रहे हो। अब कोई झोला लेकर के जाएगा तो उसकी जगह जेल होगी। हमारे नौजवानों के भरोसे के साथ कोई परिवार करेगा तो उसकी जगह जेल होगी, इसके सिवाय और कुछ नहीं। और हमने तो ये भी तय किया कि इस अनैतिक कार्य में जो लोग लिप्त रहे हैं उन सब पर एनएसए लगाने के साथ साथ उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों में वितरित करने की व्यवस्था भी हमारी सरकार आने वाले समय में करने जा रही है। और इसलिए आपके अवसर पर मैं एक साथ इतनी ढेर सारे जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुए हैं इन सभी कार्यक्रमों में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं यहाँ पर आपको जिन योजनाओं का लाभ आपको उपलब्ध कराया गया है, वित्त पोषण सहायता योजना, एक जनपद एक उत्पाद में सामान्य सुविधा केंद्र योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, टूल किट्स एवं प्रशिक्षण योजना, इन सभी के माध्यम से आप सभी जो भी उद्यमी जो भी हमारा नौजवान इस क्षेत्र से लाभान्वित हुआ है आप पूरी तन्मयता के साथ अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। एमएसएमई में उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरे तीसरे स्थान पर है, कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में नंबर एक स्थान पर लाने का कार्य करेगी। और इसलिए मैं आप सबको कहूंगा कि आपका प्रदेश नंबर एक पर आए यह आपकी भी तमन्ना होगी, लेकिन हम सहायता दे सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं, आपके लिए उस प्रकार के रास्ते निकाल सकते हैं। मेहनत आपको करनी होगी और अगर आपकी मेहनत रंग लाएगी कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश एमएसएमई में देश के अंदर नंबर एक पर आ जाए, अवश्य आएगा, मेरा मानना अवश्य आएगा। आज तो बहुत सारे क्षेत्रों में मुरादाबाद में लोग है, वहां के तीनों को हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लिया, जो हम लोग गए थे वहां के उद्यमी मेरे पास आए थे, उन्होंने इस बात को कहा
मैं स्वयं कम पड़ा था, उन्होंने मेरे सामने कहा था सबको जो उनकी समस्या है कि हमने समाधान सुनी पड़ गया। और जब हमसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि पहली बार हुआ है जब हम लोगों के बारे में किसी सरकार ने सोचा है। पिछली बार पहले तो सरकारें सोचती तो नहीं थी, लेकिन अपने ढूंढों से वसूली करने के लिए जरूर भेजते थे। आज हमें 24 घंटे बिजली मिल रही है, कोई ढूंढा वसूली नहीं कर सकता है। और साथ साथ सरकार ने जो प्रोत्साहन किया है, लगभग 6,500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर अकेली मुरादाबाद जनपद को प्राप्त हुआ है। आप सोचिए कि अगर इतने करोड़ रुपए की योजनाएं यहाँ से बाहर निर्यात होती है तो एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसे वाराणसी में हम लोग थे, वहां भी ये स्थिति थी, लखनऊ में भी ये स्थिति थी। अभी जब मैं यहाँ गोरखपुर के वन दृष्टिकोण प्रोडक्ट के साथ चले गए इन सभी उद्यमियों के साथ बात कर रहा था, तो अब उन्हें भी लग रहा है कि उन्हें भी ऑर्डर मिलने प्रारंभ हुए। बहुत सारे नए युद्ध इसके साथ जुड़ रहे हैं। हम लोग मेहनत करें, निरंतर प्रयास करें, और मेरा मानना है आपकी मेहनत उत्तर प्रदेश वन दृष्टिकोण प्रोडक्ट की सभी योजना को पूरे देश और दुनिया के सामने स्थापित करने के साथ साथ लाखों नौजवानों को, परिवारों को और लाखों नौजवानों को रोजगार स्वावलंबन को रक्षा करने में सफल होगी। आज के अवसर पर आप सबके प्रति मैं हृदय से एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। आप सबको मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए माननीय को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।